नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश विदेश व राज्य की दिन की 10 प्रमुख खबरें। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से आपात बैठक बुलाने को कहा, अब 17 नवंबर को होगी सुनवाई। पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों को समर्पित। पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति से छेड़छाड़ समाज के कल्याण का रास्ता नहीं। यूपी चुनाव में जिन्ना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री। योगी ने कहा, सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया, ओवैसी ने उठाया सवाल। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई घायल। पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में निधन, पीएम ने जताया शोक। महाराष्ट्र 6 महीने में 400 लोगों ने नाबालिग लड़की से किया रेप, 3 गिरफ्तार। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित, सीएम योगी ने किया अभिषेक। जम्मू कश्मीर में आतंक सफाया जारी, इस साल ढेर किए गए 134 दहशतगर्द, 135 गिरफ्तार। रायपुर भाटागांव बस स्टैंड से यात्री बसों का संचालन हुआ शुरू। कुछ ही देर में शहीद विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार का शव पहुंचेगा रायगढ़। जिंदल एयरपोर्ट पर मंत्री उमेश पटेल रहेंगे मौजूद। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही प्रमुख खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।